ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सीवाई गेमिंग के पीसीबी की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से पीसीबी एक और न्यू तगड़ा गेमिंग पीसीबी करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30K के अंदर, यानी कि 30,000 रुपये के अंदर। आपको हम एक तगड़ा फुल फुल तो नहीं पीसी सेटअप देने वाले है। तो अपना इसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सीपीयू। सीपीयू तो हमने इसमें इंटेल कोर i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर यूज किया है, जो कि एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। और 18 MB/s इसकी ट्रांसपोर्ट है, 4.40 GW इसकी क्लॉक स्पीड है, और DDR5 है एंड DDR4 एंड DDR5 सपोर्ट करता है, और 700 कोर है इसमें, और माइक्रो ATX है इसमें। और इसमें आपको थे ये कि वारंटी मिल जाती है कंपनी पूर्व, और इसमें आपको शायद इनबिल्ट फैन नहीं मिलता है, आपको हो 200 रुपये का फैन लेना होगा इसको कूलिंग करने के लिए। और नेक्स्ट पे बढ़िया, तो नेक्स्ट पे हमने यूज किया है RX 580 ग्राफिक कार्ड, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR5 है, और 256 बिट है इसमें, और गेमिंग ग्राफिक कार्ड है, इस एक बेस्ट ग्राफिक कार्ड रहने वाला है। और इसमें आपको ड्यूअल फैन मिल जाएगा, और एक 4K तक की वीडियो 4K तक की वीडियो चलाने की कैपेसिटी रखता है बड़ी प्यार से। और आपको इसके अंदर 4 पोर्ट मिल जाएंगे, और काफी बेस्ट है जीपीयू रहने वाला है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, हालांकि वारंटी कुछ कम है इसमें। और नेक्स्ट में हमने यूज किया है अमेजोन की DDR4 3200 MHz, 16 GB रैम, सॉरी सॉरी रैम में गलत सर्च हो गई, मैं आपको सही वाली रैम रिकमेंड करता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मेरे को ये वाली। तो हमने इसे क्यूजेल की 16 GB DDR4 रैम यूज की है, 3200 MHz वाली डेस्कटॉप रैम, जो कि आपको थ्री ए की वारंटी के साथ मिल जाती है, और काफी बेस्ट रैम रहने वाली है, 16 GB रैम DDR4 3200 MHz, 100% टेस्टेड रैम डेस्कटॉप पीसी रैम है। और नेक्स्ट में हमने यूज किया है इसके अंदर EVMIM2 की 256 GB SSD इंटरनल, जो कि 530 MB/s ट्रांसपोर्ट करती है, DDR5 को सपोर्ट करती है, 256 बिट है, 5 ईयर की वारंटी के साथ आती है, और काफी बेस्ट रहने वाली है ये देखो, M2 2280 है इसमें, देखो। और बेस्ट है, मतलब रहने वाली है इस, अगर इस पर इसके सब देखा जाए तो ये बेस्ट है, ये आपके लैपटॉप पीसी, आप गेमिंग पीसी लो चाहे होम पीसी लो चाहे ऑफिस पीसी लो, क्या पीसी के लिए एम बेस्ट है। और नेक्स्ट में हमने यूज किया MSI 4S 710 DDR4 मदरबोर्ड, जो कि माइक्रो ATX सपोर्ट करता है, और इसमें 14th जनरेशन 13th जनरेशन 12th जनरेशन i5 के प्रोसेसर तक सपोर्ट करते हैं, i7 तक। और इसमें आपको 3200 MHz वाले आप एम यूज कर सकते हो, 1XL, और 16 बिट M2 Gen 3 स्लॉट है, USB 3.2 के स्लॉट है, और गेन 1 पोर्ट है, गेन 1, और एक लैन पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, 1.4 है, VGA पोर्ट है, ये कि वारंटी मिलती है, 2 M स्लॉट, एक प्रोसेसर स्लॉट, और एक ग्राफिक कार्ड स्लॉट, और एक SSD स्लॉट, तो आपको लगभग मिलता ही है, और कई बने आपको 6,000 रुपये कई बने मिल जाएगा। और इसमें आपको 3 माइक्रो पोर्ट मिल जाएंगे, माइक्रो हेडफोन और स्पीकर पोर्ट, और USB 2.0 के 2 पोर्ट, लैन पोर्ट मिल जाएगा एक इसके साथ आपको, और USB 2.0 Gen 1 पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, 3.2 USB 2.0 मिल जाएगा, VGA पोर्ट मिल जाएगा, और HDMI पोर्ट मिल जाएगा साथ में आपको। और इसके साथ हमने कैबिनेट यूज किया ATX की
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स 1100 मिड टावर कैबिनेट यूज किया है, जो कि गेमिंग कैबिनेट है ब्लैक कलर का, और इसमें आप एटीएक्स आम एटीएक्स और आईटीएक्स सपोर्ट करता है, और 3 आगे तरफ इसमें आरजीबी फैन मिल जाएगा 120 mm का, और एक आरजीबी फैन इसके पीछे की तरफ मिल जाएगा। फैन ये कि वारंटी इसमें मिलती है, ऐसे कैबिनेट को कभी कुछ होता नहीं है। और ये इसकी कुछ लुक होगी। इसमें आपको पावर ऑन ऑफ बटन, रिस्टार्ट बटन, एयरफोन बटन, माइक बटन, यूएसबी 2.0 के 2 स्लॉट और यूएसबी 3.0 के 1 स्लॉट मिल जाएगा। और ये देखो मिनी एटीएक्स, मिनी आईटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स और एटीएक्स में सपोर्ट करता है। और आप इसमें 300 mm का ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। और हमने इसमें लास्ट और अपनी जो कि अंतिम चीज रहने वाली है, तो हमने इसमें यूज किया जेबोनिक ZX 500 वाट की आरजीबी पावर सप्लाई, जो कि 120 mm आरजीबी फैन के साथ आती है, जिसमें हमने SATA 3 है और मैक्स पावर कैपेसिटी है इसकी, और 3 वन साथ ये भी आती है। इसमें आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा इधर की तरफ, आरजीबी फैन के साथ आती है लुक के साथ। और ये पावर ऑन ऑफ बटन हो गया, यहाँ पर आरजीबी फैन भी आता है इसमें। ये इसकी 1.2 mm पावर केबल हो गई, और ये मदरबोर्ड मेन पावर कनेक्शन हो गया, ये अपना कॉपी कार्ड पावर सप्लाई हो गया, और ये पावर ऑन ऑफ बटन हो गया। ये भी डबल कॉपी कार्ड में किस किस में डबल कॉपी कार्ड आता है उसके लिए होता है, और ये अपने पावर कनेक्शन के लिए सपोर्ट हो गया। और आपको इसमें 3 ईयर की वारंटी तो मिलती है। तो ठीक है, बिना किसी देर के अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय।